हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर सुनील शर्मा। टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज द टॉपिक डायलॉग राइटिंग। सो व्हाट इज देयर, वी डेली कम अक्रॉस मेनी पीपल एंड इंटरेक्ट विद देम। डायलॉग इज द कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल। राइटिंग डायलॉग इज यूजफुल फॉर्म ऑफ कंपोजिशन। सो व्हाट हैज बीन टोल्ड इन दिस, इट सेज दैट मिनिमम टू पीपल आर रिक्वायर्ड फॉर अ कॉन्वर्सेशन। तो दो लोगों की जरूरत तो चाहिए, आपको पता है, अगर डायलॉग्स उनमें बातचीत हो, इंट्रैक्शन होने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है ना। राइटिंग डायलॉग इज यूजफुल फॉर्म ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफकोर्स। सो हियर इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन रमन एंड सुपरिटेंडेंट। सो रमन सेज, गुड मॉर्निंग सर। सुपरिटेंडेंट, गुड मॉर्निंग। रमन सर, कैन आई गेट स्कॉलरशिप फॉर्म? अब रमन कहता है भी, क्या मेरे को स्कॉलरशिप फॉर्म मिल सकता है? तो सुपरिटेंडेंट कहते हैं, वेयर वर यू यस्टरडे? दीज फॉर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द क्लास। ये फॉर्म तो क्लास में कल बांट दिए गए थे। रमन, आई वॉज ऑन लीव यस्टरडे। कल तो सर मैं छुट्टी पे था। सुपरिटेंडेंट, अप्रोच योर क्लास टीचर। तो अपने क्लास टीचर से मिलो। रमन, सर शी हैज आस्क्ड मी टू अप्रोच यू। तो रमन कहता है, ये टीचर ने तो आपके पास जाने के लिए बोला है। सुपरिटेंडेंट, ओके देन, वुड यू वेट फॉर अ लिटिल वाइल? अब सुपरिटेंडेंट उसको थोड़ा वेट करने को कहते हैं। तो रमन, यस सर। सुपरिटेंडेंट, फर्स्ट साइन ऑन दिस पेपर, देन टेक वन एप्लीकेशन फॉर्म। रमन, थैंक्स सर। सुपरिटेंडेंट, इट्स ऑल राइट, डिपॉजिट द फॉर्म फिल्ड इन एवरी रिस्पेक्ट डे आफ्टर टुमोरो। रमन, थैंक्स। यस सर, थैंक्स। सो हियर इज अ कन्वर्सेशन, यू सी। तो इसमें किस तरह से डायलॉग देखो डिलीवरी हो रही है, किस तरह से क्वेश्चन और किस तरह से उसका आंसर दिया जा रहा है। तो यही हमारा टॉपिक है, डायलॉग राइटिंग। सेकंड एग्जांपल भी है जिसमें इट इज़ बिटवीन पेशेंट एंड डॉक्टर। तो पेशेंट सेज, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। डॉक्टर सेज, गुड मॉर्निंग, यू लुक अनवेल, वेरी अनवेल। भैया तुम ठीक नहीं दिखाई दे रहे। पेशेंट, डॉक्टर आई हैव हाई फीवर एंड अ टेरिबल हेडेक। अब पेशेंट अपनी डिजीज बताता है, कहता है भी मेरे को प्रॉब्लम क्या है। तो उसमें कहता है हाई फीवर और टेरिबल, यानी बहुत ज़्यादा हेडेक है मेरे को। डॉक्टर, लेट मी फर्स्ट चेक योर फीवर एंड थ्रोट। तो डॉक्टर बोलता है, पहले फीवर और तुम्हारा थ्रोट होता है गला, तो गला चेक करने दो। पेशेंट कहता है, डॉक्टर आई हैव अ सोर थ्रोट ऑल्सो। सोर थ्रोट मतलब गले में दर्द होना, मेरा गला खराब है। डॉक्टर, ओपन योर माउथ वाइड, अपना मुँह इस तरह से वाइड खोलो। टेक आउट योर टंग, अपना जीभ बाहर निकालो प्लीज़। पेशेंट, व्हाट इज इट डॉक्टर? डॉक्टर, यू आर सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर, देर इज अ चेस्ट कंजेशन ऑल्सो। तो कहते हैं वायरल फीवर है एक तो तुम्हें, और चेस्ट कंजेशन, उसमें भी कंजेशन है तुम्हारी चेस्ट के अंदर। पेशेंट, आई कांट ईट और स्वेलो एनीथिंग। पेशेंट कहता है, मैं कुछ खा नहीं पा रहा हूँ। स्वेलो यानी अंदर लेके जाना, स्वेलो करना कोई चीज़ को पेट में, तो वो नहीं कर पा रहा। डॉक्टर, आई एम गोइंग टू प्रिस्क्राइब सम मेडिसन्स। डॉक्टर कहता है भी, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ। टेक दिस मेडिसन रेगुलरली, ये दवाइयाँ डेली लेनी है। टेक स्टीम एट बेड टाइम, और भाप वगैरह लेनी है। एंड यस, गागल ऑल्सो, गागल्स यानी गरारे वगैरह करने हैं। पेशेंट, डॉक्टर हाउ मेनी डेज मेडिसिन, कितने दिन की मेडिसिन? डॉक्टर, इट विल टेक एट लीस्ट 5 days टू गिव यू रिलीफ। तो डॉक्टर बोलते हैं 5 days तो लग जाएंगे। पेशेंट, थैंक्स डॉक्टर, वैन शुड आई रीविजिट, दोबारा कब आऊँ? आफ्टर 5 days। तो इस तरह से कॉन्वर्सेशन है। देन एक्सरसाइज, हियर आंसर्स आर गिवन एंड यू हैव टू राइट क्वेश्चंस। ओके, सो फर्स्ट इज, आई हैव सॉल्व दिस एक्सरसाइज फॉर यू। फर्स्ट आंसर इज गिवन, वी वेंट टू सी द लेटेस्ट मूवी। तो हाउ वी कैन फॉर्म द क्वेश्चन, वेयर वर यू यस्टरडे? देखो आंसर में कह रहा है भी, हम लेटेस्ट मूवी देखने गए थे। तो क्वेश्चन किस तरह से फॉर्म होगा, वेयर वर यू यस्टरडे, कल कहाँ थे, कल हम मूवी देखने गए थे। सेकेंड आंसर में दिया है, वी वर 4 friends। तो हम 4 दोस्त थे, तो क्वेश्चन क्या फ्रेम कर सकते हैं हम, हाउ मैनी ऑफ यू, तुम कितने थे, हाउ मैनी फ्रेंड्स वर यू, मतलब किसी भी तरह से किया जा सकता है, पर वो बिल्कुल मैच करना चाहिए क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं जिस फॉर्म में, तो उसी फॉर्म में आंसर है, तो आंसर जैसे दिए हुए उसी फॉर्म का क्वेश्चन होना चाहिए। तो थर्ड आंसर इज, वी वेंट देयर इन राघव कार, राघव्स कार। तो राघव की कार में गए थे, तो क्वेश्चन बन सकता है, कैसे गए थे, हाउ डिड यू गो? इट वॉज ग्रीन वुड सिनेमा हॉल। तो मूवी कहाँ थी, तो वेयर वॉज द मूवी शॉन, या फिर वेयर डिड यू गो टू वॉच द मूवी या सी द मूवी, इस तरह से फ्रेम किया जा सकता है। यस, वी रीच्ड हाफ एन आवर बिफोर। अब ये टाइमिंग्स बता रहा है भी, हम आधा घंटा पहले पहुँच गए थे। तो क्वेश्चन किया जा सकता है भी, क्या तुम टाइम पे पहुँच गए थे, डिड यू रीच इन टाइम?
वी इजली गोट द टिकेट्स. अब क्वेश्चन, भी टिकेट्स आसानी से मिल गए, तो वट अबाउट द टिकेट्स. इट वॉज ए कॉन्ट्रीब्यूटरी सिस्टम. तो कॉन्ट्रीब्यूटरी सिस्टम अगर आंसर दिया जा रहा है तो इसका यही बनेगा भी मूवी किसने पैसे दिए, इस तरह से. तो क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है हु पेड फॉर द टिकेट्स, है ना, पैसा, टिकट का पैसा किसने दिया. इट्स अ मार्वलस फिल्म. तो मार्वलस फिल्म, अब मूवी कैसी थी, हाउ वॉज द मूवी, वट अबाउट द फिल्म, किसी भी तरह से फ्रेम किया जा सकता है. एंड नेक्स्ट इज, इट इज़ अ कॉमेडी फिल्म. तो कॉमेडी फिल्म, तो वट टाइप ऑफ फिल्म इज इट. वी टुक आर डिनर एट निरुलास. निरुलास यानी रेस्टोरेंट का नेम इसमें मेंशन है जैसे. तो वट डिड यू डू आफ्टर सीइंग द मूवी, वट डिड यू डू आफ्टर सीइंग द मूवी, आपने मूवी देखने के बाद क्या किया. नेक्स्ट इज गिवन, वी रीच्ड होम एट अबाउट 10 PM. तो घर पहुंच गए 10 बजे. तो क्वेश्चन यही होगा ना, भी घर कब पहुंचे, तो वेन डिड यू रीच होम. तो इस तरह से आपने इसको क्वेश्चन को करना है. नाउ इन सेकेंड एक्सरसाइज यू सी, क्वेश्चन हैव बीन गिवन एंड वी हैव टू राइट आंसर्स. सो वेयर आर यू स्टेइंग एट प्रेजेंट. तो कहाँ ठहर रहे हो आप, तो कह सकते हो कोई भी, इन दिल्ली, इन सिरसा. विच स्कूल हैव यू जॉइंड. आई हैव जॉइंड SSJB स्कूल, श्या सतनाम जी बॉयज स्कूल. इज इट अ गुड स्कूल? यस इट इज. आर यू टीचर इंटेलिजेंट एंड फ्रेंडली? यस दे आर. आप ऐसे भी कह सकते हो, वैसे तो ये कंप्लीट आंसर बन जाता है, यस दे आर. ये भी कह सकते हो, यस दे आर इंटेलिजेंट एंड फ्रेंडली. वट इज योर परफॉर्मेंस? तो परफॉर्मेंस पूछ रहा है. आई यूजली स्टैंड फर्स्ट. डू यू पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज? तो कहता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो? यस आई डू, हाँ करता हूँ. एनी अचीवमेंट और अचीवमेंट्स दैट यू हैव मेड? कोई अचीवमेंट जो तुमने, अचीवमेंट क्या होती है भी, कुछ हासिल किया हो, कुछ जीता हो. यस लास्ट ईयर आई वॉज डिक्लेयर्ड द बेस्ट एक्टर. डिड यू एवर मिस मी? यस अ लॉट. वुड यू लाइक टू नो अबाउट माई स्टडीज? यस वी कैन सिट एंड हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस. टेल मी समथिंग अबाउट आंट, अंकल एंड आंट. यस दे आर फाइन. सो दिस वे वी हैव टू राइट आंसर. हियर इन फर्स्ट एक्सरसाइज नोटिस वन थिंग, दैट आंसर्स आर गिवन. सो वेन यू राइट क्वेश्चन, आफ्टर द क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क मस्ट बी देयर. ओके, इफ इज इट इज नॉट गिवन इन एग्जाम, देन यू हैव टू मार्क दैट. ओके, सो आई थिंक दैट यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक. ओके, सी यू टुमारो. बाय बाय.